हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ जीवा। आज हम देखेंगे कि CHO निश्चय पोर्टल में कैसे एंट्री करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले निश्चय पोर्टल लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए ID पासवर्ड आपके डिस्ट्रिक्ट से आपको प्रोवाइड करवा दिया गया होगा। हम देखेंगे कि न्यू इनरोलमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट को इनरोल्ड करने के लिए न्यू इनरोलमेंट में जाएंगे। न्यू एपिसोड ID में हम जो हमारे पुराने पेशेंट हैं उनको सर्च कर सकते हैं, मगर हमें न्यू इनरोलमेंट करना है तो हम पब्लिक पेशेंट में जाएंगे। पब्लिक पेशेंट में जाने के बाद हमें सबसे पहले पेशेंट का मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपका पेशेंट मेल है मेल, फीमेल है फीमेल, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें हमें शो हो रहा है कि हमारा पेशेंट जो है पहले से इनरोल नहीं है या उसका एपिसोड ID नहीं बना हुआ है। हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम पेशेंट का नाम डालेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पेशेंट का एज डालेंगे। इसके बाद हमें जो हमने मोबाइल नंबर लिया था वो ऑटोमेटिक ले लेगा, तो हमें सेकेंडरी मोबाइल नंबर का नीड नहीं है। हम नेक्स्ट करेंगे। एड्रेस में जो भी पेशेंट का एड्रेस है लैंडमार्क डालना है। पिन कोड डालेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपका एरिया जो भी पड़ता है, ट्राइबल, रूरल, अर्बन, अर्बन एंड स्लम्स, ट्राइबल एरिया है, आप मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है सिंगल, कार्ड इज़ नॉट नेसेसरी। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। पेशेंट को जो भी सिम्टम्स है हम सिम्टम्स ऐड करेंगे। पेशेंट क्या है, पेशेंट को कोई और अगर प्रॉब्लम है तो हम ऐड करेंगे, अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम नहीं ऐड करेंगे। HIV स्टेटस देखेंगे, इट्स नॉट नेसेसरी, तो हम नेक्स्ट कर लेंगे। फिर हम इसमें कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, हम किसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो इसमें जो भी आपकी आशा है या आंगनवाड़ी है या आपने किसी अगर अदर सदस्य को चुन के रखा हुआ है तो आप उनका भी नाम ऐड कर सकते हैं। ANM का नाम ऐड कर सकते हैं, CHO का नाम ऐड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन का एड्रेस, हमें जिस पर्सन को कॉन्टैक्ट करना है आप उसका एड्रेस डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए। जो ये पेशेंट है इसका ID जनरेट हो चुका है। पेशेंट का ID जनरेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम न्यू पेशेंट इनरोल्ड करेंगे। अगर हमें इसमें चेक करना है कि हमारे पास कितने पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट हैं तो हम ऑन ट्रीटमेंट में जाके पेशेंट सर्च कर सकते हैं। इसमें जितने भी पेशेंट आपके एरिया में जिनका ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट चल रहा है वो शो होंगे। इसमें आप जाकर देख भी सकते हैं कि आपके किस पेशेंट को कितना मेडिसिन चला है और किस पेशेंट को किस डेट से मेडिसिन स्टार्ट हुआ है।
इसमें आपको पूरा कार्ड शो होगा पेशेंट का, जैसे जो मेरा पेशेंट है इसको 8/9/2023 को मेडिसिन स्टार्ट हुई है, तो इसमें सारा पेशेंट का डिटेल आ जाएगा। अगर आपको पेशेंट का लोकेशन अपडेट करना है तो आप लोकेशन में जाकर अपडेट कर सकते हैं, जिसको हम जियो टैगिंग बोलते हैं। यहाँ से लोकेशन में जाके हम लोकेशन अपडेट करते हैं। और अगर आपके सेंटर में कितने पेशेंट है, आपके एरिया में कितने पेशेंट अभी तक टीवी के हैं, तो आप आउटकम असाइन में जाके देख सकते हैं कि आपके पास कितने टीवी के पेशेंट है या कितने पेशेंट को टीवी का मेडिसिन चल चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू।